अध्यक्ष भुवनेश्वर के शेरवानी की शिकायत पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ पहुंचे जांच अधिकारी। जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवागढ़ के शिक्षकों के बारे में शिकायत कलेक्टर से की गई थी, जिस पर कलेक्टर जांजगीर चांपा द्वारा 4 सदस्यीय टीम को नवागढ़ जांच के लिए भेजा। इस संबंध में जांच अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ विजय लहरे द्वारा मीडिया को बताया कि भुवनेश्वर केशरवानी नगर पंचायत अध्यक्ष नवागढ़ द्वारा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नवागढ़ के शिक्षकों के संबंध में शिकायत की थी, जिसके जाँच करने के लिए आए हैं। सभी शिक्षकों और छात्र छात्राओं से बयान लिया जा रहा है, जिसके बाद जांच प्रतिवेदन उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। भुवनेश्वर केशरवानी अध्यक्ष नवागढ़ द्वारा जांच से असंतुष्ट जाहिर करते हुए कहा कि यह केवल खानापूर्ति नजर आ रहा है, यदि उचित कार्यवाही नहीं की गई तो उनका अनशन पर बैठना निश्चित है। जो शिकायत आप किए हैं उस पर जाँच आए, तो क्या आज आप जाँच से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या कहना इस पर आपका? मेरे द्वारा जो शिकायत किया गया था उसमें 4 सदस्यीय टीम बनाया गया है और जांच के लिए आए थे बीओ सर, उनके टीम आए थे। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे इस तरह के जांच से संतुष्ट नहीं हूँ मैं, हम लोग तो कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार भी कई बार शिकायत किया है जो सत्य है और सारा वहाँ पर एविडेंस भी है, तो इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अगर आप संतोषजनक कार्यवाही नहीं होते तो क्या अनशन पे आप बैठेंगे? हाँ, मेरा प्रॉपर है, मैं तो अनशन में बैठूंगा 22 तारीख को, अगर जांच से संतुष्टि नहीं मिली तो। सर बताएंगे आज किन मुद्दों पर जांच के लिए आप हायर सेकेंडरी स्कूल नवागढ़ पहुंचे हुए हैं? मुद्दा तो एक ही है, किन मतलब बहुत से मुद्दे नहीं है। यहाँ से कुछ शिक्षक की अनुपस्थिति का प्रश्न है, जिसकी शिकायत की गई थी, उसकी जांच बीच में की गई थी, बीच में जांच पूरा नहीं हो पाया था। अभी कुछ अभी हमारे नगर पंचायत माननीय अध्यक्ष जी ने एक कलेक्टर महोदय को चिट्ठी देकर के उस शिकायत के जांच नहीं होने पर और निराकरण नहीं होने पर उनके द्वारा अनशन की चेतावनी दी गई थी। उस संदर्भ में पुनः जांच दल संशोधित करके 4 लोगों का जाँच दल बुलाया गया था। आज 4 सदस्यीय जाँच दल उपस्थित हुआ, उस मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। पूरे में जांचों पे कार्यवाही नहीं हुई तो इसके जिम्मेदार कौन है सर? पूर्व में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं हुआ है, उसके लिए कार्रवाई नहीं, पहले बहुत पहले हुआ होगा तो उसकी जांच रिपोर्ट कौन प्रस्तुत किया इसकी जानकारी नहीं है। अभी ये जांच प्रस्तुत होगा रिपोर्ट, उस पर शासन द्वारा विभाग उच्च अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा से राजेंद्र रत्नाकर, CGVision TV।